अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा यहाँ पे जो कारोबार है यूके में, वो प्रॉपर्टीज़ का छोटा सा कारोबार है हमारा। दो प्रॉपर्टीज आपको मैं दिखा चुका हूँ अपनी, एक स्टोक वाली, एक किंग्स नॉर्डन वाली। ये हमारा होलसेल वाला तीसरा घर है, छोटा सा घर है, देखिए बिल्कुल छोटा सा। जो एंटे आपको नज़र आ रही है ना बाहर से, आपको लग रहा होगा कि ये कोई दो बेडरूम घर है या तीन बेडरूम। हमने जब ये ऑप्शन से लिया था तो ये तीन बेडरूम घर था। आगे अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये तीन बेडरूम के साथ हमने क्या हशर किया। और ये तीन बेडरूम हमारा जो पहला घर था, हमारा ये सबसे पहला घर था आज से 4 साल पहले, ठीक है जी। अंदर आइए आपको दिखाता हूँ मैं। सो एज यूजुअल ये स्मार्ट लॉक लगा हुआ हमारी सारी प्रॉपर्टीज में, ठीक है जी। हमें आने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। अंदर दाखिल होते साथ ही पहला रूम नंबर 1, एक रूम ये है रूम नंबर 1। उसके साथ अब आप आगे आ जाए तो ये है हमारा रूम नंबर 2। ये रूम नंबर 2 है, इसको भी स्मार्ट लॉक देखे लगे हुए हर जगह पे, की ऐसे ही है। यहाँ पे आगे आप आएंगे तो ये जनाब यहाँ पे है किचन हमारा, ठीक है जी। ये जबरदस्त सा किचन है, एक सीटिंग एरिया भी इसी के साथ बना हुआ है। और ये आप पीछे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा बाथरूम। ये जी बाथरूम है, बाथटब के साथ नीचे एक, ठीक है जी। उसके बाद ये पीछे गार्डन आपको अंदर से दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गार्डन इतना हमारी प्रॉपर्टीज में यूज नहीं होता टूकेरा, ठीक है जी। एयरबीएनबी सर्विस अकोमोडेशन booking.com पे गार्डन इतना यूज नहीं होता। ऊपर आ जाए आपको दिखाता हूँ दोबारा, ये तीन बेडरूम हमने लिया था, तीन बेडरूम, ठीक है जी। नीचे एक रूम था, हमने खुद पार्टीशन करके इसके नीचे दो रूम क्रिएट किए, किचन और टॉयलेट क्रिएट किए। ऊपर आए आप, ऊपर आते हैं जी हम, और ये मेरे रूम नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 3 है, फर्स्ट फ्लोर पे डबल रूम है ये, मास्टर बेडरूम। इसके साथ अगर आप आए तो यहाँ पे स्टैंडिंग शावर है, ठीक है जी। ये जो है वो जॉइंट है, सारे लोग जॉइंट यूज करते हैं। स्टैंडिंग शावर से आप निकले तो रूम नंबर 4 आता है हमारा, रूम नंबर 5 आता है हमारा, ठीक है जी। और ये आप ऊपर आ जाए तो आपको हमने डॉर्मर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। खैर ये जो अटक होती है लॉफ्ट, हाई सीलिंग थी, तो चूंकि हम खुद बिल्डिंग का काम करते थे तो हमने जब लिया था ऑक्शन से बिल्कुल ये खत्म प्रॉपर्टी थी, 20 साल बंद रहा, तो हमने डोरमेट बनाया। डोरमेट बनाने के बाद ऊपर 2 कमरे अटैच बाथरूम के साथ हमने क्रिएट किए हैं, और अच्छे गुड साइज के रूम नंबर सिक्स ये हो गया अटैच बाथ के साथ, और वो हो गया जी रूम नंबर 7, ठीक है जी। तो टोटल हो गया हमारे छोटी सी प्रॉपर्टी में 7 बेडरूम क्रिएट किए, और ये हमारी प्रॉपर्टी फुली बुक रहती है हमेशा। आप लोग ये booking.com पे भी लिस्टेड है, एयरबीएनबी पे है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ से हमने बेसिकली शुरू किया था अपना जो प्रॉपर्टीज का बिजनेस है छोटा सा, ठीक है जी। तो ये है हमारा पहला घर और ओवरऑल तीसरा घर, ठीक है जी। तो यहाँ से हम जो है वो एक बड़ी डिसेंट सी अमाउंट बनाते हैं, जबरदस्त सी अमाउंट बनाते हैं, ठीक है जी। आप लोग भी कर सकते हैं, अगर आप लोग के पास अपना घर है रेंट में दिया हुआ फैमिली को, उनको निकालें और एयरबीएनबी और सर्विस अकोमोडेशन पे आप लोग आए। उसके लिए अगर आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मालूमात चाहिए, आप लोग trading402 पे ऑफिशियल हमारा जो पेज है उस पर रब्ता कर सकते हैं, वहां पे आपको हर तरह की गाइडलाइन मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लाई होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।